हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे चार ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में, जिन स्टॉक्स में हम कल इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर हम शुक्रवार की बात करते हैं, यानी अगर 21 अप्रैल की बात करें, तो शुक्रवार के दिन इन सारे स्टॉक में ब्रेकआउट मिल सकते हैं। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग किया जाए तो प्रॉफिट मिल सकता है। तो देखिए, कल के लिए हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक होंगे एबीबी इंडिया। अगर हम एबीबी इंडिया शेयर की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न मिल रहा है। मतलब ऊपर की इस रेजिस्टेंस की देखें तो ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, ये प्रॉपर तरीके से रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और नीचे की तरफ देखें तो एक सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है। इसका मतलब कि कल अगर स्टॉक इसे नीचे जाता है और सपोर्ट को ब्रेक डाउन दे तो यहाँ पर फॉल करते हुए नजर आएंगे, तो आप सेल करके यहाँ पर प्रॉफिट कमा सकते हो। और 3175 के नीचे चले जाए तो आप सेल कीजिएगा। टारगेट 3160, दूसरा टारगेट 3155 एंड 3190 का लेवल पे यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा पाएंगे। लेकिन अगर स्टॉक इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन ना दे पाए, इसके ऊपर ही होल्ड कर जाए, तो हो सकती है कि राइज कर जाए और बहुत ही शानदार और रिवर्सल भी यहाँ पर देखने को मिल जाए। अगर ऐसा होता है तो बाई का भी यहाँ पर चांस बनेंगे। मतलब अगर 3230 के ऊपर चले जाए तो स्टॉक में बाई भी बनेगा और अपने हिसाब से यहाँ पर टारगेट और स्टॉप लॉस आप यहाँ पर लगा सकते हो। कल के लिए हमारा दूसरा इंट्राडे स्टॉक होंगे आईटीसी, जो कि एक एफएमसीजी का शेयर है। दोस्तों, हो सकता है कि आप आईटीसी आपको एक बार फिर से इसका ऑल टाइम हाई को ब्रेक करे और एक नई हाई यहाँ पर बनाए, इसका पूरा चांस है। तो कल इसे ट्रैक करिएगा। अगर स्टॉक इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, सॉरी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, जो ये रेजिस्टेंस दिख रहे, इसका ब्रेकआउट मिले तो मतलब आप कह सकते हो फिर से इसका ऑल टाइम हाई को एक बार फिर से ये ब्रेक करेगा आईटीसी, तो एक शानदार बाइंग यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। तो अगर ऊपर का ब्रेकआउट मिले तो 402 के ऊपर हम स्टॉक को बाय करेंगे। टारगेट 404 रुपया और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो 405 रुपये तक होल्ड कीजिएगा और 400 का लेवल पर यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। लेकिन अगर इसका ऑल टाइम हाई मतलब इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट ना दे पाए तो हो सकता है कि फॉल करे और शानदार रिवर्सल भी देखने को मिल जाए, तो सेलिंग साइड में मौका मिल सकता है। जो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है ट्रेंड लाइन का, इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट का अगर ब्रेकडाउन मिल जाए यहाँ पर, तो आप सेल की तरफ भी जा सकते हो। 398 के नीचे जाए तो आप सेल कीजिएगा। टारगेट 396 रुपया, दूसरा गेट 395 रुपया और 400 का लेवल पे यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। शुक्रवार के लिए हमारा तीसरा इंटरेस्ट होंगे दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट में देखा जाए तो सेम तरीके का पैटर्न यहाँ पर भी डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न मिल रहा है। मतलब ऊपर की लेवल की बात की, ये जो देखिए जो रेजिस्टेंस है, ये प्रॉपर तरीके से रिस्पेक्ट करे और नीचे की तरफ देखा जाए तो एक प्रॉपर सपोर्ट भी आपको मिल रहा है। इसका मतलब कि अगर स्टॉक इस सपोर्ट का नीचे फिसल जाए तो यहाँ पर भारी गिरावट देखने को मिल जाएगा, तो आप सेल करके इसका मजे ले सकते हो। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल जाए तो आप सेल कीजिएगा। 1835 के लिए हम सेल करेंगे। टारगेट 1825 रुपया, दूसरा टारगेट 1822 रुपये और 1845 पर हम स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा पाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी दिखा जाए, अगर ये जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है ये स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, मतलब इसका अगर ब्रेकडाउन ना मिले तो राइज करने के भी चांस होंगे। तो बाइंग साइड में भी दिखिएगा, अगर इसका ब्रेकआउट मिल जाए तो आप बाइक भी कर सकते हो। 1860 के ऊपर बाय करना है। टारगेट 1870 रुपया, दूसरा गेट 1873 रुपया और 1850 पे स्टॉप लॉस लगाइएगा। और कल के लिए हमारा चौथा इंटरेस्ट स्टॉक होंगे बर्जर पेंट्स। मैं तीसरा दिन लगातार इस स्टॉक के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि पैटर्न आज भी बहुत ही खास है। आज के लिए भी दिया था लेकिन यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं मिला, तो कल भी इसे ट्रैक करिएगा। देखिए, ये जो डाउन साइड का रैली आपको देखने को मिला था, फॉल देखने को मिला, ये बरकरार रहेंगे अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे दे। ये जो सपोर्ट आपको देख रहा है, इसका ब्रेकडाउन मिल जाए तो ये दो कन्फर्मेशन मिल जाएगा, इस ट्रेन का सपोर्ट और इसके बाद इस सपोर्ट, दोनों का अगर ब्रेकडाउन मिल जाए तो भारी गिरावट हमें देखने को मिल जाएगा, तो आप सेल करके यहाँ पर प्रॉफिट की तरफ जा सकते हो। तो फिलहाल बात करें 571 के नीचे जाए तो हम सेल करना है, जैसे इसका ब्रेकडाउन मिल जाएगा। 568 पे पहला टारगेट, ज़्यादा वीक हो तो 567 तक होल्ड करेगा और 574 पे स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा पाएंगे। लेकिन ये जो सपोर्ट है, ये दरअसल दो सपोर्ट एक साथ मिला है, इसका मतलब अगर इससे टास्क करे हो तो बहुत तेज़ ऊपर की तरफ रिवर्सल भी मिल सकता है, इसका भी 70% चांस होंगे। तो जैसे इसका ब्रेकडाउन मिल जाए तो देखिए आप यहाँ पर बाई की तरफ भी जा सकते हो। 575 के ऊपर बाय कीजिएगा। टारगेट 578 रुपया, दूसरा गेट 580 रुपया और 572 का लेवल पे यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाइएगा। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि पिछला वीडियो में जो स्टॉक दिया था आज के सीजन को ट्रेडिंग के लिए किस तरह से परफॉर्मेंस दिया है। तो कल का वीडियो में पहला स्टॉक मैंने आपको दिया था गुजरात एल्कालीस। फिलहाल यहाँ पर हमें सेलिंग साइड में मौका मिला था, मैं सेलिंग साइड में 70% का प्रीफर किया था, आपको मालूम होगा। जैसे सपोर्ट का यहाँ पर ब्रेकडाउन मिला था, अगर आपने यहाँ पर सेल किया होगा, मैंने जैसे लेवल बताया कि 633 पर हम सेल करना है, अगर आपने किया होगा तो शानदार प्रॉफिट मिला होगा। हमें दोनों टारगेट मिल चुका था, 228 का टारगेट भी मिल चुका था, मतलब स्टॉक यहाँ पर 225 का लॉ लगाता है। और उसके बाद दूसरा स्टॉक मैंने आपको दिया था यूनाइटेड स्प्राइट। और फिलहाल यूनाइटेड स्प्राइट में आज तो ब्रेकआउट नहीं मिला, तो कल के लिए सब स्ट्राइक करिएगा। चलिए आप देख सकते हो बहुत ही शानदार सेलिंग कल देखने को मिल सकती है, ये जो सपोर्ट आपको मिल रहा है, इसका ब्रेकडाउन मिले तो भारी गिरावट कल देखने को मिल सकती है। दरअसल इसे ट्रैक करेगा सेल के लिए 456 कल इसे सेल भी कर सकते हो अगर ब्रेकडाउन मिले तो।